हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन. एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, आप लोग को इतना वेट करना पड़ा, ठीक है. लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, वो साउंड की जो वायर होती है उसकी वजह से, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ा. उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है. लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. तो आज की पहली न्यूज, हर कोई अपनी पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाओ. दूसरा चीज, इस सेशन को आप लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो, जहां भी शेयर कर सकते हो वहां पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है. तो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं. नमस्ते नमस्ते प्रखर, कैसे हैं आप, है ना. एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर है. और हम यहीं पर क्विज खेल रहे थे, राइट. तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज आज की. ओ माई गॉड, ये कौन है, ये लेपर्ड है कि शेर है कि क्या है, ठीक है. तो इसके बारे में देखते हैं क्या आया है न्यूज में. तो लद्दाख क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले तो लद्दाख को याद रखना है. तो लद्दाख ने यहाँ क्या किया है, एडॉप्टेड स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड 2 years आफ्टर इट वॉज कार्व्ड आउट एज अ सेपरेट यूटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसका मतलब क्या हुआ मैम, कि लद्दाख जो कि अब क्या है, एक यूटी है, ठीक है. यूटी है तो यहाँ के एक एल जी भी होंगे, तो यहाँ के एल जी का नाम क्या है, आर के माथुर, ठीक है. तो एल जी बन, ये एक यूटी बन गया है. तो इसने एडॉप्ट किया है एक स्टेट एनिमल को और एक स्टेट बर्ड को, ठीक है. तो स्टेट एनिमल किसे इन्होंने अडॉप्ट किया है, स्नो लेपर्ड को, क्योंकि वहां पर स्नो लेपर्ड्स काफी आपको देखने को मिलेंगे. तो स्नो लेपर्ड को यहां पर अडॉप्ट किया गया है एज स्टेट एनिमल, और स्टेट बर्ड के रूप में ब्लैक नेक्ड क्रेन. ये एक जोड़ा होता है, बहुत ही लविंग जोड़ा आप इसे कह सकते हो, ये, ठीक है. अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जानने की, तो देखिए इसमें आपको ये जानना है कि IUCN कि एक रेड लिस्ट आती है. यहाँ पर क्या आती है, IUCN की एक रेड लिस्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि ये एनिमल या फिर ये बर्ड जो है ये किस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं. तो ये आपको यहाँ मालूम होना चाहिए. तो अगर मैं बात करूँ स्नो लेपर्ड की, ठीक है, तो स्नो लेपर्ड याद रखना बच्चों, ये वल्नरेबल है. क्या है ये, स्नो लेपर्ड आपका वल्नरेबल है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे ज्यादा एनिमल्स के ऊपर ही बनते हैं. आपको बताना होता है कि इनकी IUCN रैंकिंग क्या है, है ना, लिस्ट में किस जगह पे ये आते. वल्नरेबल मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बहुत कम हो गए हैं तादाद में, ठीक. और अगर मैं बात करूं ब्लैक नेक्ड क्रेन की, तो ये क्या है मैम, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये नियर थ्रेटेंड है. क्या बोलेंगे इसको हम, नियर थ्रेटेंड, लिख लीजिए. ब्लैक नेक्ड क्रेन क्या है आपका, नियर थ्रेटेंड, ऐसा, ठीक है. तो ये दो चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए. जस्ट गिव मी वन सेकेंड. ठीक है, आया इतनी चीज समझ में, किसी को कोई दिक्कत, तो यहां सिर्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. मान के चलो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, कि बताओ स्टेट एनिमल लद्दाख का कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है लद्दाख का, तो ये पता होना चाहिए. इसके अलावा इनका जो IUCN स्टेटस है, स्नो लेपर्ड का है वल्नरेबल, और बात करूं अगर ब्लैक नेक्ड क्रेन की, तो ये है नियर थ्रेटेंड. तो ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है. आया समझ में. IUCN जो होता है, IUCN का फुल फॉर्म आपको यहां पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट, तो ये चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए. चलिए आगे बढ़े जल्दी से. चलो अब देखते हैं आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है. तो अगर मैं नेक्स्ट न्यूज की बात करूं, तो ये यार खाने पीने का कुछ दिख रहा है, टेस्टी टेस्टी, है ना. तो फूड से रिलेटेड है, यस बिल्कुल. तो फूड क्राइसिस, या फिर ये कह सकते हैं कि फूड का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइसेस जो है अचानक से इंक्रीज हो गया. कहाँ पर, श्रीलंका में. तो देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, क्या नाम है इसका, गोटबाया राजपक्षे, याद रखिएगा, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं. देखो एक ही सेंटेंस में कितनी चीजें आपको मिलती हैं, है ना. अभी पिछले वाले जीके में भी हमने देखा कि एक ही सेंटेंस में कितने सारी चीज आपको वहां पर पता चली.
सेम यहाँ पे भी। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने देश की मुद्रा के मूल्य में बाहरी गिरावट आई है, तो मुद्रा का मूल्य मतलब जो मनी की वैल्यू होती है उसमें क्या आई है, एकदम से गिरावट आ गई है, जिस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, मुद्रास्फीति है ना, इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्या हो गया, ऑब्वियसली फूड प्राइजेज आपके क्या हो गए यहाँ पर, इंक्रीज हो गए हैं, अचानक से खाने पीने के सारे दाम यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं, जिस वजह से प्रेसिडेंट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इकोनॉमिक एमरजेंसी। कैसा क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक एमरजेंसी रिसेंटली किस कंट्री में लागू की गई है जिसकी वजह से फूड प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, स्पाइक इन फूड प्राइजेस, तो क्या बोलोगे आप, श्रीलंका। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्से, इतनी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। आया सबको समझ में, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। एक पब्लिक, हम ये कह सकते हैं पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस को यहां पर पास किया गया एकदम अर्जेंटली में, पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस को, ठीक है, इसे यहां पर पास किया गया है और ये चीज बोला गया यहां पर कि यार देखो अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दिए हमने, ठीक है, क्योंकि फूड प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मुद्रा है, जो मनी है, उसकी वैल्यू यहां पर अचानक से कम हो गई है, ठीक है, ये चीज आया समझ में। आगे बढ़े तो देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो देखो जितनी चीजें मैंने बताई है ना, ये लिख लिख कर रखो, ठीक, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे बन बन के, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंडियन नेवल एविएशन, भारतीय नौसेना उड्डयन, ठीक, इंडियन नेवल एविएशन से रिलेटेड क्या है यहां पर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक, विल अवॉर्ड, ये अवॉर्ड देंगे, ठीक है, कौन सा अवॉर्ड देंगे, अवॉर्ड का नाम है प्रेसिडेंट्स कलर, प्रेसिडेंट्स कलर नाम का एक अवॉर्ड होता है, किसको देंगे, टू इंडियन नेवल एविएशन, इंडियन नेवल एविएशन को यहां पर प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया जाएगा। किस सेरेमनी में दिया जाएगा, कोई होगी एक सेरेमनी, ठीक है, जो यहां पर परफॉर्म की जाएगी, कहां पर, आईएनएस हंस में, ठीक है, आईएनएस हंस में एक परेड में, एक सेरेमोनियल परेड में प्रेसिडेंट्स कलर नामक अवार्ड जो है वो इंडियन नेवल एविएशन को दिया जाएगा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कौन है, रामनाथ कोविंद। तो कितनी चीजें यहां पर पता चल गई, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है मैम यहां जानने के लिए, बहुत सारी है, ठीक है, लाइन से देखते रहो, जस्ट वन सेकेंड। इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब ये समझिए अक्षय, कि वहां पर अब पैसे को लेकर दिक्कतें आपकी आएगी, जो प्राइजेस जो है वो एकदम से आपकी बढ़ जाएंगे, महंगाई बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ने वाली है ना, तो इसलिए वो इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, ठीक। अब एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड, क्या ये जो है प्रेसिडेंट्स कलर, ये हाईएस्ट अवार्ड है, क्या है ये, हाईएस्ट ऑनर या फिर हाईएस्ट अवार्ड आप कह सकते हो, जो किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है, ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट अवार्ड या फिर ऑनर, ऑनर, ठीक है, किसे दिया जाता है, किसी भी मिलिट्री यूनिट को, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, किसी को भी, ठीक है, मिलिट्री यूनिट, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सबको, जिसने भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, एक्सेप्शनल वर्क किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर किसी ने वर्क किया है तो उसे दिया जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखोगे, कि 1951 में लिख लो, 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था, किसे दिया गया था, इंडियन नेवी को, किसे, इंडियन नेवी को, ठीक है, सबसे पहले दिया गया था, याद रखिएगा 1951 में, इस बार किसे दिया गया, इंडियन नेवल एविएशन को। तो ऐसे आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, आया समझ में, किसी को कोई डाउट इसमें बताओ, कोई डाउट, मैम नोट्स का कैसे करें, देखो बच्चा क्या करना है आपको, बस पॉइंट पॉइंट को लिखते जाओ, ठीक है, जो चीज मैं बोल रही हूं ना उसको लिखते जाओ, और अगर कुछ छूटता भी है तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लेना, है ना, देखो अपन लोग ज्यादा बकवास तो करते हैं नहीं, इधर उधर की काम की चीज ही पढ़ना है, ठीक, तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके उसके बाद में आप इसके नोट्स जो है वो बना लेना, ठीक है।
तो 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडियन नेवी को सबसे पहले दिया गया था, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इंडियन नेवल एविएशन की, किसकी, इंडियन नेवल एविएशन की, तो याद रखिएगा ये कब आई, ये अस्तित्व में आई थी 1951 में, लिख लीजिए 1951 में अस्तित्व में आई थी इंडियन नेवल एविएशन, ठीक है। और INS गरुड़ को यहां पर कमीशन किया गया था सबसे पहले, किसको, INS गरुड़, अरे कहां लिखू, यहां लिख देती हूं, ठीक है, INS गरुड़। ये अवार्ड कहां दिया गया, INS हंस गोवा में, ठीक है। तो ऐसे आपको इन चीज को याद रखना है, ठीक है। डीआरडीओ को नहीं, देखो ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये किसी मिलिट्री के जो ये होते हैं ना, तो विंग्स, उनको ही दिया जाता है। तो जो बहुत सारे मिलिट्री विंग्स हमारे देश में हैं, तो उन्हें ऑनर करने के लिए ये अवार्ड रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, करते ही भैया, डीआरडीओ की तो कोई बात ही नहीं है, इतने सही सही चीजें उन्होंने बनाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सार्क कंट्रीज, तो भैया सार्क कंट्रीज को यहाँ पर क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है सार्क कंट्री के लिए, अब एक थोड़ी सी दुविधा आ गई है। उनका ये कहना है कि यार अब बिकॉज अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, तो क्या उन्हें मेंबर बनाकर रखना है कि नहीं रखना है, ओवर द इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफगानिस्तान अंडर द तालिबान अ क्वेश्चन हैज अराइजन ओवर इट्स मेंबरशिप, ठीक है, उसके मेंबरशिप, उसकी सदस्यता पर एक सवाल खड़ा हो गया है इन द सार्क। सार्क का फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, ठीक है। सार्क जिसकी मीटिंग कहाँ शेड्यूल होने वाली है, इस्लामाबाद में, नेक्स्ट में, कहाँ शेड्यूल होने वाली है, इस्लामाबाद में, ये चीज। अब सार्क के बारे में आपको यहां मालूम होना चाहिए क्या, सबसे पहले सार्क में कितनी कंट्रीज हैं, तो याद रखिएगा टोटल सार्क में अगर बात की जाए तो 8 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर कब ज्वाइन हुआ था ये पता होना चाहिए, तो 2007 में अफगानिस्तान को यहाँ पर ज्वाइन कराया गया था 2007 में, ठीक है, एज द 8th कंट्री के रूप में 2007 में अफगानिस्तान जो है वो सार्क का मेंबर बना था। सार्क का हेडक्वार्टर मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां पर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुझे जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो अफगानिस्तान 8th कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द सार्क, लेकिन अब लोगों ने ये क्वेश्चन उठा लिया है, खासकर इंडिया ने, कि यार अब इसे मेंबर बना के रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है, इनके साथ कैसे रिलेशंस रखने चाहिए, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आ चुकी है। आया सबको समझ में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज। आप लोग मुझे तब तक कमेंट करके जल्दी से बताओ कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, कहां पर है सार्क का हेडक्वार्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज तब तक, तो नेक्स्ट न्यूज की अगर मैं बात करूं, काठमांडू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रखर। तो नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू अ पर्सन, अब भैया ये कौन है इनको देख लो, ठीक है, तो इनका नाम है परसराम पट्टाभी केशव राम चरयू, ठीक है, अब इतना बड़ा नाम तो याद ना हो रहा मैम, कोई दिक्कत नहीं है, बीच के दो नाम याद कर लो, ठीक है, पट्टाभी केशवा तो याद कर सकते हो, ये याद कर लो। इन्हें क्या बनाया गया, इन्हें राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, क्या बनाया गया है, राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल। तो राज्यसभा क्या है, हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस, ये जानते हैं सब लोग, अपर हाउस है, ठीक है, यहां पर एक स्पीकर होते हैं कि चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा को जो प्रिसाइड करते हैं वो एक चेयरमैन होते हैं, और चेयरमैन कौन होते हैं, जो भी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो अभी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एम वेंकैया नायडू है, एम वेंकैया नायडू, ठीक है, तो ये कौन है, ये हमारे देश के अभी वाइस प्रेसिडेंट है, और यही साथ में राज्यसभा के चेयरमैन भी है। तो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है, पट्टाभी केशवा, और ऐसा होने वाले, ये मतलब कि अपर हाउस से ही
पहला सेक्रेटरी जनरल बनने वाले पर्सन भी यही है, फर्स्ट, ठीक है, ये चीज। चलिए, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको सिर्फ यही याद रखना है कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है। आया समझ में ये चीज? ठीक है, लाइक सीनेट, सेंटा बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं, ठीक है, के उपराष्ट्रपति हैं, वही उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े जल्दी से, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है। तो भैया सेक्रेटरी जनरल कौन रहता है? मेन भाई आपके आईएएस रैंक का एक, मतलब आईएएस तो चलो बहुत छोटी रैंक हो जाती है, इनके ही एक रैंकिंग स्टेटस की अगर बात की करूं तो जितना भी हाउस का एडमिनिस्ट्रेशन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस पॉलिसी से रिलेटेड, ये बातचीत की जाती है ना पूरी। कौन फॉर्मुलेट करेगा? यही लोग बैठ के फॉर्मुलेट करते हैं, कोई इनके पास दिमाग थोड़ी होता है। जो पॉलिटिशियंस वहां रहते हैं वो लोग के पास इतना नहीं होता, मेन एक्चुअल दिमाग किसका चलता रहता है पीछे, ये पॉलिसीज लानी है, ये सब लाना है। तो जो सेक्रेटरी जनरल होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, वही लोग ये सब बताते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज है चाइनाज फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन। तो चाइना ने यहां पर ओपन कर दिया है क्या, पहला रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक कहां पर किया है, इंडियन ओशन में, जिसका नाम क्या है, चाइना म्यांमार न्यू पैसेज। नाम याद रखना, क्या है, चाइना म्यांमार न्यू पैसेज। तो कुछ नहीं है भैया, एक पैसेज यहाँ पे बना दिया गया है टू कनेक्ट चाइना एंड म्यांमार, ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट लिंक वेस्टर्न चाइना विद द इंडियन ओशन। पूछ सकता है कि बताइए पहला लिंक जिसमें वेस्टर्न चाइना इंडियन ओशन के साथ में लिंक कर रहा है, तो वो क्या नाम है उसका, तो नाम क्या लिखोगे, चाइना म्यांमार न्यू पैसेज, चाइना म्यांमार न्यू पैसेज, याद रखिएगा, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आप कह सकते हो, एक ट्रांसपोर्ट चैनल है ये, क्या है ये, ट्रांसपोर्ट चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, ठीक है, ये चीज आप यहां पे याद रख सकते हो। किस किस को कनेक्ट करेगा, सिंगापुर को, म्यांमार को और साथ में चाइना को, चाइना सिंगापुर म्यांमार, कहीं ना कहीं सिंगापुर भी यहां पर थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा एंड म्यांमार, ठीक है। तो ऐसे आपको इतनी चीजें यहां पर मालूम होनी चाहिए। तो यार देखो, और मेन दिक्कत क्या है यहां पे कि चाइना का एक कहानी चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पता है आप लोग को, चाइना का एक यहाँ पे इनिशिएटिव चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको आप और क्या कहते हो, सिल्क रूट भी कह सकते हैं, कि इंडिया के जो इंडियन ओशन वाला एरिया है, इंडिया के नेबर्स को अपना दोस्त बना लेना और पूरी उनकी जमीन को हड़प लेना, यही काम है इसका, ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े, यस सीनेट, एग्जैक्टली। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज। तो आज की नेक्स्ट न्यूज है इनोवेशन पंजाब। तो ये क्या है भैया, तो पंजाब सीएम जिन्होंने कल एक योजना परसों का एक शुभारंभ किया था, मेरा मान मेरा काम, तो वही उसी पंजाब के जो सीएम है उन्होंने यह लॉन्च किया है इनोवेशन मिशन पंजाब, ठीक है। तो ये दूसरी स्कीम है, याद रखिएगा, किसके लिए किया है, टू बूस्ट अप द स्टार्टअप सेक्टर्स। कुछ नहीं है, यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुलाया जाएगा, है ना, जो भी इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इनका ये स्कीम है कि आइए वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, वहां के स्टार्टअप्स को पैसे की जरूरत है, उन्हें दो ताकि वो आगे बढ़े और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। उसके लिए पंजाब सीएम ने यहां पर लॉन्च किया है इनोवेशन मिशन पंजाब, आया समझ में। जल्दी से मुझे बताइए कि पंजाब के गवर्नर कौन है, पंजाब के गवर्नर का नाम मुझे बताओ क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन में जानबूझकर पूछती हूँ ताकि ये आप लोगों का रिवाइज होते रहे बार बार, ठीक है। पंजाब के सीएम तो पता चल गया, जल्दी से मुझे पंजाब के गवर्नर का नाम बताइए। तो बस इस स्कीम को आपको यहाँ पर याद रखना है, इनोवेशन मिशन पंजाब, और नाम से ये चीज आप बता दोगे कि किस स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, किसके लिए किया है ये पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कोई किसी को दिक्कत आया सबको समझ में। चलिए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज। तो आज की नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई से रिलेटेड। तो भैया आरबीआई ने यहां पर क्या किया है ये देख लो। तो आरबीआई ने यहां पे 5 मेंबर पैनल बनाया है ऑन NUE लाइसेंसेस। तो NUE का मतलब क्या है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, याद रखना NUE लाइसेंस का मतलब होता है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी।
ठीक है, ये नाम को आपको याद रखना है। अब देखो जब बिकॉज आपको नोट्स यही बनाने हैं ना, तो मैं भी चाह रही हूँ कि इतना सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखूं, ठीक है। राइटिंग नहीं समझेगी तो बिल्कुल पूछे, एकदम सही। बीपी सिंह बदनोर है ना, देखो पंजाब के गवर्नर याद रखिएगा, बीपी सिंह बदनोर नाम है उनका, ठीक है। ये चीज अब NUE लाइसेंसेज मतलब न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस देना, किसको देना है भैया लाइसेंस, किसी को नहीं देना है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि एक 5 मेंबर पैनल 5 मेंबर कमिटी यहाँ पर RBI ने सेटअप कर दी है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कम्पीट करेगा किसके साथ में, NPCI के साथ में, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, NPCI टू कम्पीट है ना, कम्पीट करना, ठीक है, किसके साथ में, NPCI के साथ में। भैया देखो अभी तक जितने भी आपके ऑनलाइन पेमेंट्स कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारे NPCI ही उन्हें रेगुलेट करता है, तो इसने कहा यार देखो मार्केट में इकलौता राजा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए, तो कंपटीशन में मजा आएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम भी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लाएंगे फॉर द पेमेंट सिस्टम, है ना, कि जो भी पेमेंट्स होते पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा इनका खुद का, किसका, NEU का, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, NUE, ठीक है। ये तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब NPCI का फुल फॉर्म आपको यहां पता होना चाहिए, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो इतनी चीजें यहां आपको पता होनी चाहिए, ठीक। किसने सेटअप किया, RBI ने, कितनी मेंबर की पैनल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 भूलना नहीं। एग्जामिनर को पता है कि क्या बच्चे छोड़ देंगे, तो वहीं से क्वेश्चन घुसाएगा वो, ठीक है। NUE लाइसेंसेस, तो NUE का फुल फॉर्म यहाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड अक्षय, आया समझ में ये चीज। और कंपीट करना किसके साथ, NPCI के साथ में। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज कौन सी है इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो चंडीगढ़, भैया चंडीगढ़ में क्या हुआ है, तो चंडीगढ़ स्टेशन बैग्स 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ईट राइट स्टेशन, कि किस स्टेशन में खाना बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक। ये चीज क्यों यार, सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को ट्रेन में क्या होती है, खाने की होती है ना, हर कोई तो फैमिली के साथ ट्रेवल नहीं करता, तब उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो चंडीगढ़ स्टेशन को यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन मिल गया जिसका नाम क्या है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ये सर्टिफिकेशन देता कौन है मैम, ये भी पूछ सकता है भैया, कौन देखता है, तो FSSAI याद रखिएगा, है ना, ये चीज FSSAI। अब FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिख लो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। किस लिए दिया गया ये चीज, क्योंकि हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस जो भी फूड है वो यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो चंडीगढ़ स्टेशन ने बढ़िया इंप्रूव किया है, उन्हें ये सर्टिफिकेशन दे दिया गया, ठीक। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत, समझ आ गया, वेरी गुड राहुल। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट है एयरटेल और कोटेक से रिलेटेड। तो क्या हुआ भैया यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ है, कुछ याद नहीं करना है, थोड़ा सा याद करना है। कोटेक महिंद्रा बैंक ने अपने 20 करोड़ के शेयर्स जो हैं वो बेच दिए। किसको बेच दिए, एयरटेल पेमेंट बैंक्स को बेच दिए, कितने रुपए में, 295 करोड़। तो सिर्फ 4 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, कि कोटेक महिंद्रा बैंक ने अपने शेयर्स बेचे, कितने शेयर बेचे, 20 करोड़ के, किसको बेचे, एयरटेल पेमेंट बैंक्स को बेच दिए, ठीक है, कितने में बेच दिया ये भी याद रखना, ठीक है, 295 करोड़ में, आया समझ में ये चीज। हाँ आगे बढ़े, ठीक है, छोटी सी न्यूज थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा 100% इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी और देखते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज। ओ पहचानते हैं इनको, जल्दी से बताइए क्या नाम है,
अगर जानते हैं तो जल्दी से बताओ, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। बताओ यार, इनको नहीं जानते तो क्या फायदा। नाम बताओ जल्दी से, क्या नाम है? मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि इन्होंने, इन मैडम ने एक किताब लिखी है, ठीक है? कौन सी किताब है? नो योर राइट्स। किताब का नाम क्या है? नो योर राइट्स एंड क्लेम्स। नो योर राइट्स एंड क्लेम, ठीक है? ये चीज जल्दी से बताओ यार, तुम नहीं जानते क्या, कौन है ये? हद है, ठीक। तो ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? एक नाम है गेराल्डाइन वैन ब्यूरेन, लिख लो, ठीक है? गेराल्डाइन वैन ब्यूरेन, जो कि एक लॉयर है, ठीक है? तो भैया क्या ये इसलिए इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो बहुत किताबें होती, नहीं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किताब इन्होंने भी लिखी है और इनका नाम है एंजेलिना जोली। नहीं जानते? अरे बाप रे, हॉलीवुड मूवीज नहीं देखते? एंजेलिना जोली, वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस आप कह सकते हो, ठीक है? तो एक अमेरिकन एक्ट्रेस है ये, हॉलीवुड की बहुत ही अच्छी पुरानी हीरोइन है, अब तो नहीं आती है, पहले आती थी, इनको फिर कैंसर भी हो गया था, लेकिन शी इज अ फाइटर, ठीक। तो एंजेलिना जोली याद रखना। तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ठीक है? ये जो किताब लिखी गई है, ये लिखी किसके लिए है? जो हम जैसे जो यूथ है, जो इक्वालिटी लिबर्टी की बातें करते हैं, तो उनके लिए ये किताब यहां पर लिखी गई है। तो एंजेलिना जोली, इसके साथ में गेराल्डाइन वैन ब्यूरेन, जो कि एक लॉयर है, बच्चों की एक लॉयर है, तो ये दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको सब चीजें यहां मिल जाएगी। बुक का टाइटल नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, किसके द्वारा? एंजेलिना जोली प्लस वैन ब्यूरेन, चाहो तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है? आगे बढ़े, जल्दी से देखते हैं आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है। अच्छा, हॉलीवुड नहीं देखते? ओके, सही है यार, पक्के हिंदुस्तानी हो आप लोग तो। चलिए, नहीं देखिए, कई मूवीज ना हॉलीवुड की बहुत शानदार होती है, देखना बहुत मजा आएगा, हर मूवी नहीं, कुछ कुछ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो भैया यहाँ पर आईबी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई है। किस लिए कमेटी बनाई है? टू रिव्यू जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, कि भैया ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो लोग इतनी अच्छी अच्छी न्यूज आपको ला ला कर देते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं उनका भी तो वेलफेयर होना चाहिए ना, उनके कितने शोषण होते हैं ये हमें पता तक नहीं है, सही बताऊं तो, ठीक है? ये चीज तो ध्यान रखिएगा कि जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम पत्रकार कल्याण योजना के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी यहाँ पर बैठाई गई है। किसके द्वारा? आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है? ऐसे तो ऐसे आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये कमेटी बनाई गई है। कितने मेंबर्स रहेंगे? 9 members, ठीक है? इसमें 9 members रहेंगे, जो कि आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सबसे रहेंगे, याद रखिएगा, 9 members विल बी इंक्लूडेड। आया ये चीज समझ में? एकदम ईजी था ये वाला भी क्वेश्चन, तो आपको इतनी चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। इस हेड कौन करेगा? अशोक कुमार टंडन। ये भी लिख लीजिए कि इस कमेटी को हेड कौन करेगा? अशोक कुमार टंडन, कमेटी हेड अशोक कुमार टंडन, ये, ठीक है? तो ऐसा पूरा चीज बना के रखना। एक और चीज बच्चों यहां ध्यान रखो, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत होती है या नहीं समझ आ रहा है नोट्स कैसे बनाने, क्या बनाने, तो एक बार मेरे को मैसेज करना आप लोग टेलीग्राम में, ठीक है? और अगर आपने कुछ नोट्स बनाए भी होंगे उसे भी वहां पर सेंड करना, मैं एक बार चेक कर लूंगी, आई विल रिव्यू, और उसमें मैं बता दूंगी कि इसमें कैसा चेंज करो, एल्स आई विल मेक अ वीडियो, मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअल आपको नोट्स बनाने कैसे चाहिए, ठीक है? आया सबको समझ में? अशोक कुमार टंडन, बहुत बढ़िया। इन द मीडिया, ओके, है ना? तो इंडियन मीडिया में भी रैंक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए ये कमेटी यहां पर फॉर्म की गई है इनके वेलफेयर के लिए। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू न्यूट्री गार्डन।
न्यूट्री गार्डन को यहाँ पर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। कौन है? सभी जानते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, तुलसी नहीं, क्या नाम है, स्मृति ईरानी। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, स्मृति ईरानी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यूट्री गार्डन। अब भैया मैम, ये न्यूट्री गार्डन क्या है? कुछ नहीं है, छोटा सा गार्डन है, है ना, आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है? AIIA में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में इसे यहां पर लॉन्च किया गया है। कि भैया क्या करना है, क्या रहेगा, यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स और शर्ब्स ऐसे लगाए जाएंगे जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं, तुलसी हो गया, नीम हो गया और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये सबसे रिलेटेड यहाँ पर प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। AIIA न्यूट्री गार्डन सीधा सीधा यही पूछेगा कि न्यूट्री गार्डन किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देगा, बहुत सारा कहानी देगा, तो आंसर क्या रहेगा इसका, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, याद रखना। ठीक, चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू NDB। तो भैया NDB में क्या हुआ? NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चाइना में है इसका हेडक्वार्टर, बताओ। ठीक है, एनडीबी किसके द्वारा फॉर्म किया गया? ब्रिक्स नेशन के द्वारा फॉर्म किया गया। ब्रिक्स नेशन आ गया समझ में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स नेशन ने यहाँ पर क्या फॉर्म किया है? एनडीबी फॉर्म किया है। तो क्या इसमें सिर्फ इतने ही नेशन है? नहीं, अब इसमें एक नया नेशन यहाँ एड कर दिया गया एज इट्स मेंबर। कौन? बांग्लादेश। क्या सिर्फ बांग्लादेश को यहां ज्वाइन किए? क्या नहीं, यहां पर UAE भी ज्वाइन हुआ है एज अ न्यू मेंबर। तो बांग्लादेश प्लस UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्लस उरुग्वे। ठीक है, तो पहली बार एक तीन नए कंट्रीज को भी यहां पर एनडीबी का मेंबर बनाया गया है। तो ऐसे आपको इस चीज को याद रखना है। आया सबको समझ में? किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में बताओ मेरे को, एक सेकेंड। यस, ठीक है, आ गया समझ में? हर चीज याद रखना है, एनडीबी कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, किसके द्वारा फॉर्म किया गया, रीसेंट न्यूज क्या है इससे रिलेटेड, कि तीन नई कंट्रीज को यहां पर मेंबर्स बनाए गए हैं, बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। बस इतना ही चीज पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े जल्दी से, या तो ये लास्ट क्वेश्चन हो, या तो ये लास्ट न्यूज है, इसके बाद क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, नहीं तो होगी कोई न्यूज। तो भैया क्वेश्चन चालू हो गया, ठीक है, तो सब रेडी हो जाओ, ठीक, और क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चालू करते, फटाफट मुझे आप लोग कमेंट में इसके आंसर्स देते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द सेकेंड स्टेट टू लॉन्च द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको बताना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने वाला दूसरा स्टेट कौन सा है, जल्दी से बताओ मुझे, दूसरा स्टेट कौन सा है, फास्ट कमेंट बताइए इसका आंसर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो पहले एजुकेशन HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने इस स्कीम को लाया था। वेरी गुड, इट्स मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, क्या रहेगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश। जल्दी आंसर देना है ना, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, ज्यादा सोचोगे टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल गया तो तुम पीछे हो जाओगे, ये चीज। ठीक है, एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, कि एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, साथ में एक्यूरेसी के साथ में आपकी स्पीड भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में ये चीज, MP, और फर्स्ट क्या है आपका, कर्नाटक, पहला क्या है, कर्नाटक, याद रखना, फर्स्ट इज कर्नाटक, जिसने NEP को यहां पर लॉन्च कर दिया है, और दूसरा स्टेट कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश। चलिए जल्दी से अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन,
विच मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट पोषण, किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर डिसाइड किया है पोषण को सेलिब्रेट करने का अक्रॉस द नेशन इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो कल ही हमने ये न्यूज देखी है कि किस मिनिस्ट्री ने अर्ज किया था दूसरों को, हर डिस्ट्रिक्ट्स को, कि आप लोग सब लोग यहाँ पर पोषण वाटिकाज बनाइए। क्या बनाइए? पोषण वाटिका को बनाओ, निर्मित करो। तो किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, जल्दी से बताओ आंसर करके। मंथन, पप्पू, अक्षय, राहुल, शुभम, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड मंथन। इट्स विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति ईरानी। तो इन्होंने यहां पर पोषण माह सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर, पोषण माह सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। ठीक है, तो ऐसे आपको इससे रिलेटेड सब चीजें पता होनी चाहिए। इस बार तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आएगा मजा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस हो गया। चलिए बताइए, विद द रेफरेंस टू श्री भक्ति वेदांता स्वामी प्रभु जी, ठीक है, कल ही अपन पढ़े, याद करो इस कौन। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड दो लाइंस, अब आपको बताना कौन सा सही है। पहला क्या है, ही वॉज एन इंडियन स्पिरिचुअल टीचर एंड द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कौन, नोन एज हरे कृष्णा मूवमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या सोचो। दूसरा बोलता है, हिज ट्रांसलेशंस और कमेंट्री ऑन द भगवद गीता, उन्होंने ट्रांसलेट किया भगवद गीता को, यस और नो ये बता दो। ठीक है, लिटरेरी वर्क्स, पूरा वही चीज लिखा हुआ है। तो आपको बताना है ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ आर करेक्ट, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। बताओ क्या होगा इसका आंसर। बोथ, 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 यस, वेरी गुड। ठीक है, इसका बेटा दोनों आंसर करेक्ट है अक्षय। ठीक है, टू तो करेक्ट है ही, क्यों, भगवत गीता को बहुत सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। वेरी गुड कृति, साथ में ये भी सही है इसका। ठीक है, ये वाला भी आंसर इसका क्या है, एकदम सही है कि इस्कॉन के मेन फाउंडर जो है वो कौन है, आपके प्रभुपद। ठीक है, याद रखना दोनों आंसर इसका करेक्ट है। ये सारी न्यूज आपको कल के वीडियो में मिल जाएगी। चलो आगे बढ़े, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट भी आपका मल्टीपल चॉइस है। अरे मैम मल्टीपल चॉइस ही पूछते हो, यस मजा आता है। ठीक है, तो न्यूट्री गार्डन, आपको बताना है न्यूट्री गार्डन के हिसाब से उसके लिए कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट है भी कि नहीं। पहला, इट वॉज सेट अप एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली। दूसरा बोल रहा है सत्तू ड्रिंक, सीजम लड्डू, सीजम लड्डू मतलब तिल का लड्डू। ठीक है, सत्तू का ड्रिंक आता है, हेल्दी रहता है ना। झंगोरे की खीर, नाइगर सीड्स लड्डू आर आयुर्वेदिक क्लासिकल न्यूट्रिशियस रेसिपीज। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्या। मंथन फंस गए, प्रखर करेक्ट, वेरी गुड, सही है, प्रखर का आंसर करेक्ट है। बोथ बेटा दोनों सही है। ठीक है, भले मैंने ये बताया नहीं पर तिल का लड्डू क्या न्यूट्रिशियस नहीं होता क्या, खाते हैं ना अपन ठंड वंड के भी टाइम, खाते हैं, और ऐसे किस में खाते हैं, वो मकर संक्रांति के समय। ठीक है, सत्तू ड्रिंक, जिम विम जाते होगे ना तो बोलता है सत्तू बहुत हेल्दी होता है, खाना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। लॉन्च कहाँ किया गया है, AIIA न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी के ही द्वारा किया गया, न्यूट्री गार्डन। तो इसमें दोनों आंसर करेक्ट रहेगा, दोनों सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। राहुल, प्रखर और जो वन बोल रहे हो ना, तो बेटा ये भी सही है। आया सबको समझ में, चलो आगे बढ़े जल्दी से और देखते हैं आज का नेक्स्ट कौन सा न्यूज है। हाँ तो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट्स कलर, अभी पढ़े थे प्रेसिडेंट्स कलर क्या है, एक ऑनररी अवार्ड है जो दिया जाता है किसको, मिलिट्री के किसी भी फेज को। प्रेसिडेंट ऑनर इज द हाईएस्ट ऑनर bestowed on a military unit in recognition of the exceptional service to the nation. अगर किसी भी military unit ने एक exceptional service दिया है nation को, तो उसे ये award दिया जाता है जो कि highest honor है। दूसरा बोल रहा है कि Indian army was the first amongst the Indian armed forces
टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है. बेटा फंस गए ना. अमंधन वो सब आयुर्वेद में ही आता है. यस yes, आप आयुर्वेद को जब पढ़ोगे ना तो उसमें आप ये सब चीज जानोगे. तिल विल जो होता है ये सब आपका सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं है. दे आर एक्चुअली वेरी न्यूट्रिशियस. वो पूरा आपका आयुर्वेद में ही है. आयुर्वेद सिर्फ मतलब दवाइयां थोड़ी होती है. ये भी चीजें बहुत सोच के बोलो बेटा. ठीक है अगर नोट्स बनाए होगे ना तो आ जाएगा समझ में. मैंने इसलिए हाईलाइट किया. भैया आपकी मैम ऐसी थोड़ी है. थोड़ा तो हिंट दे रही हूं ना मैं. ठीक देखो पहला तो एकदम करेक्ट है. ठीक है जो भी वन बोल रहे हैं वो सही है कि इट इज द हाईएस्ट ऑनर. पर ध्यान दो मैंने जब आपको ये वाली न्यूज अभी बताई तब मैंने कहा था कि राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड पहली बार दिया था. किसको दिया था बेटा. इंडियन नेवी को दिया था. इंडियन नेवी. नोट्स को घुमाकर देखो क्या लिखा था. इंडियन नेवी. यहाँ क्या लिखा है. इंडियन आर्मी. कहीं तो अटकाएगा ना. ऐसे बोलो आया समझ में. सब लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार हार्ट बना दो या एक काम करो ब्रेन बना दो. ठीक है ज्यादा अच्छा है ताकि मुझे पता चल जाए हाँ आपके ब्रेन में घुस गया ये चीज. ऐसा ब्रेन का आता है ना उसको बना दो तो ताकि मुझे पता चले. आया समझ में. इंडियन नेवी को मिला था ना कि इंडियन आर्मी को. बोलो समझ में आया ये चीज. जल्दी से बताओ. नाइस प्रखर वेरी गुड. ठीक है बाकी लोग भी बना दो यार प्लीज. कैसे कर दो ऐसे करोगे मतलब. चलो ठीक है आ गया ना समझ में ये चीज है ना. ऐसे बेटा ऐसे ही क्वेश्चन अटकाते हैं. पर मैम ऐसे एसएससी में तो आते नहीं है. ठीक है भैया आज नहीं आते लेकिन आगे तो आएंगे. ठीक है दूसरे एग्जाम दोगे कहीं पे भी दे देगा. कोई भरोसा नहीं है. ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको तैयारी ज्यादा करनी है. ठीक है वेरी गुड पप्पू. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आ गया ना ये समझ में. पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली एडॉप्टेड स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड. बताइए किस यूटी ने यहां पर अभी लॉन्च किया है. आपको बताना है स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक्ड क्रेन को एज स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड. बताओ. वेरी गुड मंथन प्रखर एकदम करेक्ट. इट्स लद्दाख. ठीक है क्या रहेगा इसका आंसर. लद्दाख रहेगा याद रखना. ठीक है बिल्कुल भूलना नहीं एकदम करेक्ट लद्दाख. चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या. यस आई थिंक सो कि आखिरी क्वेश्चन है. ठीक चलो बनाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर एन इकोनॉमिक एमरजेंसी आर्थिक आपातकाल है ना टू कंटेन द सोरिंग इन्फ्लेशन. जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कम करना आफ्टर अ स्टीप फॉल इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी. जिसमें करेंसी की वैल्यू कम हो गई प्राइस राइज बढ़ गया. बताओ बताओ बताओ. फूड प्राइसेस बढ़ गए जहां श्रीलंका. वेरी गुड क्या रहेगा इसका आंसर. श्रीलंका. देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है. और बेटा नोट्स बनाओ चाहो तो मुझे भेजो ताकि मुझे पता चले है ना. आपके नोट्स को मैं एक रेफरेंस की तरह फिर एक वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि नोट्स को आपको कैसे बनाना है. ठीक है तरीका होता है. नोट्स बनाओगे अच्छे सुंदर से तो अपने आप पेपर निकलेगा. ठीक है आया सबको समझ में. थैंक यू आरपी. मेरी वॉइस अच्छी है. थैंक यू. चलो आया इतना चीज समझ में. आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन है. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. यस बिल्कुल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का. आई होप आप लोगों को आज की न्यूज भी समझ में आई होगी. इसके अलावा आज के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएंगे आए होंगे. ठीक है एक दो हमने मल्टीपल चॉइसेस भी देखे ताकि पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ऑल क्लियर. कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो. नोट्स में कुछ चीज अगर छूट गया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना आराम से बैठकर. ठीक है आधे पौन घंटे का ही वीडियो है देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं. और फटाफट नोट्स बना लेना. कुछ लगेगा मैम एक बार और बता दो क्या है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो. मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो फिर मैं आप लोगों को वहां पर रिप्लाई
दे दूंगी। वहां पर मैंने आज सुबह एक लिंक भी डाली है फॉर द डिस्कशन, है ना, डिस्कशंस के लिए, तो वैसा अपन कर लेंगे। आया सबको समझ में? थैंक यू अक्षय, थैंक यू प्रखर। चलो तो मैं अपनी इस क्लास को यहाँ पर अब करती हूँ फिनिश। घर में जाइए, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद। ठीक, कोई भी दिक्कत रहे तो यू कैन आस्क मी। और अब हम मिलेंगे मंडे को। कब मिलेंगे हम? मंडे को, जिसमें हम सैटरडे संडे दोनों से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी उसे लेकर आएंगे मंडे। ठीक है, चलिए। और इस सेशन को प्लीज 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 आप लोग शेयर कर दीजिए। चलो, हेलो प्रतिभा, हाउ आर यू? यस, मैं भी लेफ्टी हूँ। ठीक है, टेलीग्राम लिंक देखिए, इस नाम से सर्च करो आपको मिल जाएगा, कोमल व्यास 92। ठीक है, जैसी लिखोगे तो मिल जाएगा ये चीज। थैंक यू पुष्पा, थैंक यू वेरी मच। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।